हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजीत कुमार। आज हम लोग एलियन की जो सारे कोर्सेज होते हैं, नर्चर, एंथ्यूज, अचीवर एंड लीडर, इन सारे कोर्सेज के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लोग एलियन के स्टूडेंट हैं या फिर जो लोग एलियन का स्टूडेंट रह चुके हैं, उनको तो ये मालूम होगा इन सारे कोर्सेज के बारे में। लेकिन जो लोग एलियन करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं और इन सारे कोर्सेज के बारे में नहीं जानते हैं, तो चलिए आज मैं एक एक करके सारे कोर्सेज को डिस्कस करता हूँ। पहला जो कोर्स है वो नर्चर है। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो लोग एलन में 11th क्लास में पढ़ रहे बच्चे होते हैं, उनको नर्चर बोला जाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि उनको नर्चर क्यों बोला जाता है? एलन वाले ने उनका नाम नर्चर ही क्यों रखा है, कोई और नाम क्यों नहीं रखा? तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 11th वालों को नर्चर ही क्यों बोला जाता है। एलन वाले ने 11th वाले को नर्चर नाम इसलिए दिया है क्योंकि नर्चर का मीनिंग ये होता है कि किसी भी एम के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, उसके विकास और उसकी सफलता के लिए उसको प्रोत्साहित करना, पालन पोषण करना। पालन पोषण करने का मतलब ये है कि आपका जो टारगेट दिया गया है, नीट है या फिर जेई एडवांस है, जेई मेंस है, जो भी है, तो उसके लिए उसको प्रोत्साहित करना, उसके लिए उसको तैयार करना ही नर्चर का रियल मीनिंग होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक चीज़ मालूम है, किसी को लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? इसका जो मेन रीज़न होता है वो ईर्ष्या होता है। और इंसान में जो ईर्ष्या होती है ना, वो गॉड गिफ्टेड होता है। हाँ, गॉड गिफ्टेड होता है। गॉड गिफ्टेड कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं आप लोगों पे ही एग्जांपल देके बताता हूँ। आप थोड़े अपने बचपन में जाओ, बचपन इन द सेंस 4 या 5 साल की उम्र जब आपकी रही होगी उसमें, आप तो उस एज को याद करके बताओ। आपका कोई छोटा भाई या फिर आपका कोई छोटी बहन है, तो आपके मम्मी या पापा आपके छोटे भाई या आपके छोटे बहन को गोद लेते थे, और आपको अगर गोद नहीं लेते थे तो आप उसमें जिद करते थे कि इसे गोद से उतारो और मुझे गोद में लो। सही सही बताना, आप लोग जिद करते थे या नहीं? तो मेरे भाई, 4 या 5 साल के बच्चे को प्यार, ईर्ष्या, नफरत या फिर दुश्मनी का मीनिंग नहीं मालूम होता है। लेकिन फिर भी आप जो वो गोद से उतारने वाली बात कर रहे हो ना अपने मम्मी या पापा से, तो इसे ही ईर्ष्या बोलते हैं और ये गॉड गिफ्टेड होता है। तो एक बार प्लीज़ प्लीज़ अपने ईर्ष्या को थोड़ा साइड करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अब चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरी जो पॉइंट है इंथ्यूज। इंथ्यूज जो एलन में 12th में पढ़ रहे बच्चे होते हैं, उनको इंथ्यूज नाम दिया है एलन वालों ने। और इंथ्यूज का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। कोई भी काम करने के लिए उसके पास फुल एनर्जी होती है, फुल इंथ्यूजम होता है। मतलब कोई भी काम पहली बार पूरी एनर्जी के साथ करता है, इसलिए एलन वाले ने उन्हें इंथ्यूज नाम दिया है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो कि जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के जो टॉपर्स होते हैं वो मैक्सिमम इंथ्यूज से होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ड्रॉपर टॉप नहीं करते हैं, टॉप करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं टॉपर वो अपेयरिंग ईयर के होते हैं। और तीसरा जो हम लोग का पॉइंट है अचीवर। अचीवर का मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है। मतलब 11th 12th की जो सिलेबस है वो सारी मैंने अचीव कर रखा है, मैंने पढ़ रखा है। जो भी नीट हो या फिर जे एडवांस के लिए जो सिलेबस है उसको मैंने अचीव कर रखा है। अगर इनको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो इंथ्यूज और ये नेचर वाले को क्लास भी दे देंगे। तो मतलब इसका सिंपली मतलब ये है कि मैंने वो सारा चीज़ अचीव कर रखा है। सॉरी, मैंने ये नहीं बताया कि अचीवर में किस टाइप के बच्चे होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि अचीवर में वैसे बच्चे होते हैं जो 11th से ही 11th 12th किए हैं और उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब वो ड्रॉपर हैं और दोबारा 11th से स्टडी करना चाहते हैं, तो उनको 11th वाले अचीवर में रखते हैं। आइए हम लोग चौथा और आखिरी पॉइंट लीडर के बारे में बात करते हैं। लीडर का मतलब ही होता है सर्वोत्तम, फर्स्ट टाइम या फर्स्ट पोजीशन, आप जो भी कह लो। एलन वाले ऐसे स्टूडेंट को लीडर में रखते हैं जो लोग 11th 12th तो एलन से नहीं किए लेकिन ड्रॉप लेने के बाद नीट की तैयारी या फिर जेई एडवांस की तैयारी या जेई मेंस की तैयारी एलन से करना चाहते हैं। तो या फिर कोई बच्चा 11th 12th में स्कूलिंग किया और पहली बार एलन को ज्वाइन कर रहा है नीट या फिर जेई एडवांस की तैयारी करने के लिए, तो उनको एलन वाले लीडर में रखते हैं। मतलब 12th के बाद फर्स्ट टाइम अगर आप एलन को ज्वाइन कर रहे हो तो उनको लीडर में रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।